बात 18 सितंबर 1949 की है, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन को लेकर प्रस्ताव पेश कर रहे थे। आपको मैं बताते चलूं कि संविधान के अनुच्छेद 1 देश के नामकरण से जुड़ा हुआ है, यानी संविधान का पहला अनुच्छेद देश के नामकरण से जुड़ा हुआ है। हरि विष्णु कामत संविधान सभा में अनुच्छेद 1 में संशोधन को लेकर बिल पेश कर रहे थे, प्रस्ताव पेश कर रहे थे और उनका दलील था, उनकी वकालत थी कि भारत जो उस समय इंडिया नाम से जाना जाता था और संविधान में इंडिया नाम जो रखा गया है उस नाम को बदलकर भारत कर दिया जाए। भारत नाम के पक्ष में कई ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे और कई संविधान सभा के सदस्य जो खास करके दक्षिण भारत से आते थे वो इसके विरोध में भी थे। कामत का दलील था कि जिस तरह से कोई नवजात का जन्म होता है और सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, तो आजादी के बाद सबसे पहले हमें अपना देश इंडिया अर्थात अब से इसे भारत कर दिया जाए। भारत संस्कृतियों के प्रतीक और प्राचीन नाम है और जिसके कई लौकिक कहानियां भी है भारत से जुड़ी हुई। तो हरि विष्णु कामत चाहते थे कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, लेकिन आंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। आंबेडकर ने कहा कि ये तो सिर्फ भाषा के बदलाव का मामला है और इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। कामत के बातों का प्रतिकार करते हुए आंबेडकर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इससे क्या लाभ मिलेगा। कामत और आंबेडकर के बीच में बड़ी नोक झोंक भी हो जाती है। इसी बीच सदन में शंकर राव देव ने कुछ टिप्पणी की तो कामत ने शंकर राव देव को भी डांटा फटकारा और उन पर भड़क गए। मद्रास से आने वाले एन गोपाल स्वामी, जब अयंगर एन गोपाल स्वामी अयंगर ने भी जब कामत की बातों को काटने का प्रयत्न किया तो हरि विष्णु कामत अयंगर पर भी भड़क गए। एम मुंशी जब भी इस बात को लेकर कामत पर काउंटर किए तो कामत उन पे भी भड़क गए। कामत का सीधा और सरल दलील था कि इंडिया जो हमारे देश का नामकरण अंग्रेजों ने किया है वह अंग्रेजों का नाम है, दिया हुआ नाम है। हमारे जो प्राचीनतम जो नाम है वह भारत है और कई ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे जो भारत नाम रखना चाहते थे, भारतवर्ष नाम रखना चाहते थे, कई हिंद भी नाम रखना चाहते थे। तो इस तरह से लेकिन काफी नोक झोंक के बाद अंत में हरि विष्णु कामत भारत नाम का प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया। शुरू हुई बहस। अंबेडकर चाहते थे कि इस बहस को आधे घंटे में निपट लिया जाए, लेकिन लंबी बहस चली और लंबी बहस के बाद कई लोग इसके पक्ष में आए, कई लोग इसके विपक्ष में भी अपना तर्क रखा, कई लोग इंडिया के समर्थन में भी थे और कई लोग भारत के समर्थन में भी थे, भारत के नाम में समर्थन कर रहे थे। कामत ने तर्क रखते रखते
आयरलैंड का भी उदाहरण दिया कि आयरलैंड ने अपना नाम आयर बताया और अंग्रेजी में आयरलैंड कहा। तो कामत अंत में इस बात पर आकर ठहर जाते हैं कि चलो अंग्रेजी में इंडिया और भारत हो, तो इंडिया इज भारत हो गया। और प्रस्ताव अंत में संशोधन का सदन से पारित हो गया और भारत का नाम भारत राज्यों का संघ अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नाम पारित हुआ संविधान के अनुच्छेद एक में। अनुच्छेद एक में वर्णित किया गया और लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग लिखा गया। अब एक देश में एक नई बहस की शुरुआत हो गई है कि फिर से जो हरि विष्णु कामत है सदन में संविधान सभा के समक्ष देश के नामकरण को लेकर अनुच्छेद एक में संशोधन चाहते थे, आज की वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेशन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार चाहती है और देश का एक बड़ा वर्ग भी चाहता है कि इंडिया जो हमारे देश का नाम जो अंग्रेजों ने रखा है उसका नाम बदल दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए और अब से हमारा देश भारत के नाम से जाना जाए। यानी बहस के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद एक के संशोधन की तरफ भी सरकार बढ़ती हुई दिख रही है। क्या इंडिया का नाम भारत बदल देना चाहिए या पूर्वत इंडिया अर्थात राज्यों का संघ है ही रहने देना चाहिए, यथावत ही रहने देना चाहिए? आप अपना विचार, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में देकर हमें प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अभी तक यदि हमारे चैनल जन प्रहरी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और हमारी बात जन-जन तक पहुंचे, जानकारी जन-जन तक पहुंचे, संविधान के अनुच्छेद एक से जुड़ी हुई जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इससे जुड़ी इतिहास को जानें। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको अभिषेक कौशिक का सादर प्रणाम। जय हिंद।